नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार को यूपीएससी एस्पिरेंट्स की फैक्ट्री यूं ही नहीं कहा जाता है, बल्कि समय समय पर बिहार से निकले कई होनहार अभ्यर्थियों ने बिहार को यह उपलब्धि दिलवाई है। हालांकि हर साल यूपीएससी क्लियर करने वाले तो बड़ी संख्या में बिहार से निकलते हैं, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर हर बार नहीं मिलते। ऐसे में इस बार ये कमाल हुआ है और यूपीएससी की परीक्षा परिणाम में शुभम कुमार ने ऑल इंडिया टॉप किया है। हालांकि आज का हमारा ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के नाम है जिन्होंने अब तक बिहार के साथ साथ देश भर में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और अभी से ही पहले कई बार ऑल इंडिया रैंकिंग में पहले स्थान पर आए हैं। शुभम कुमार से पहले टॉपर बनने की शुरुआत 1960 में हुई थी। 1960 के उस दौर में जगन्नाथन मुरली बिहार से पहले टॉपर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस सफलता के लिए किसी नामी गिरामी कोचिंग का सहारा नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने पटना में रहकर ही पढ़ाई की थी। हालांकि वो बात अलग है कि उनके पिता भी आईसीएस थे और तब पटना में पद स्थापित थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जगन्नाथन मुरली को अपने पिता से ही प्रेरणा मिली थी। इससे पहले कि आप आईसीएस नाम सुनकर कंफ्यूज हो, हम आपको बता दें कि आजादी से पहले आईएएस को ही आईसीएस कहा जाता था। आजादी के बाद यह पद आईसीएस की जगह आईएएस हो गया था। हालांकि जगन्नाथ मुरली के आईएएस बनने के बाद टॉपर लिस्ट में पहला स्थान पाने की भूख 6 साल तक बिहार में धरी की धरी रह गई, जिसके तहत 6 साल बाद 1966 में पूर्णिया के आभास चैटर्जी टॉपर बने। हालांकि बिहार से निकले टॉपर का इंतजार इसके बाद भी जारी रहा। 1966 से लेकर 1987 तक बिहार से यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तो बहुत निकले, लेकिन टॉप पोजीशन हासिल करने की तलब अभी भी बाकी थी और बिहार का ये सूखा खत्म हुआ साल 1987 में, जब राज्य के वर्तमान विकास आयुक्त आमिर सुभानी ने 1987 में टॉप किया था। 1987 के टॉपर आमिर सुभानी पटना साइंस कॉलेज के एलुमिनाई भी है। पटना विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग से स्नातकोत्तर में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, जिसके बाद लगातार दूसरे साल बिहार के ही प्रशांत कुमार टॉपर रहे। 1988 बैच के टॉपर प्रशांत कुमार के प्रारंभिक पढ़ाई भी पटना से ही हुई थी। उच्च शिक्षा सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से हुई थी। 1988 के बाद सिविल सेवा परीक्षा में दर्जनों अभ्यर्थियों ने सफलता का झंडा गाड़ा, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर का सूखा एक बार फिर 9 साल बाद गया के सुनील कुमार बर्णवाल ने तोड़ा। ज्ञात हो सुनील कुमार झारखंड में मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। सुनील बर्णवाल की प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर में हुई। आईएसएम धनबाद से बीटेक के बाद उन्होंने गेल में भी सेवा दी। सुनील बर्णवाल ने दूसरे प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके बाद साल 2001 में आलोक रंजन झा ने बिहार में यूपीएससी में टॉप किया। वर्तमान समय में वो विदेश सेवा में है। यही वो साल था जब बिहार ने आखिरी बार टॉपर देने का काम किया था। ज्ञात हो आलोक रंजन झा ने हिंदू कॉलेज से स्नातक करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल किया था। उन्होंने तीसरे प्रयास में पहला रैंक हासिल किया था। हालांकि 2001 के बाद बिहार को फिर टॉपर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और 20 साल के लंबे इंतजार के बाद कटिहार के शुभम कुमार ने राज्य का मान फिर से बढ़ाया है और इस बार उन्होंने इस परीक्षा को टॉप किया है। बिहार से निकले टॉपरों की बात करते हुए पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह ने बताया कि 1960 के बाद यूपीएससी में बिहार का रिजल्ट काफी सुधरा है। उससे पहले बिहार का नाम यूपीएससी की लिस्ट में कभी कभार ही आता था, जिसके बाद 1966 से 1986 के बीच बिहार से कोई भी टॉपर नहीं देखने को मिला, लेकिन हर साल 2 अंक में रिजल्ट जरूर देखने को मिले। पिछले 3-4 साल से बेहतर रिजल्ट हो रहे हैं, जिसके बाद अब आने वाले समय को लेकर यही उम्मीद की जा रही है कि बिहार से हर साल ऐसे ही भारी मात्रा में यूपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी निकले और बिहार का मान बढ़ाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।